हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स मिनी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ पूनम। आज हम बनाएंगे पंचमेल दाल। होटल की दाल मखनी से भी ज़्यादा मज़ेदार इसका स्वाद होता है और घर पर इसे हम बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट मेथड में बनाएंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बना लेते हैं। एक कप के बराबर हम दाल ले लेते हैं। तो ये पांच तरह की दाल है। इसमें अरहर, मसूर, मूंग, उड़द और चने की दाल है। तो सारी दाल हम डाल देंगे कुकर में। दाल को हम अच्छी तरीके से पहले धो लेंगे 3 से 4 बार। और ये हमने दाल धो ली है 3 से 4 बार। दाल एकदम साफ हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। तो एक बड़े साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है और एक बड़े साइज़ के टमाटर को भी कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। एक चम्मच के बराबर हम डाल देंगे इसमें क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। एक तेज़पत्ता डाल देंगे और एक छोटा सा टुकड़ा हम डाल देंगे दालचीनी का। ज़्यादा खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक हम डाल देंगे हरी मिर्च 2 पार्ट में डिवाइड करके। ज़्यादा तीखा खाना हो तो और भी डाल सकते हैं हरी मिर्च, मैंने एक ही डाली है। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल देंगे। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला। थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। घी की जगह हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो घी डाल दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे दाल को उबालने के लिए। तो 2 गिलास के बराबर पानी डाल दिया है। लेड़ लगा लेते हैं और दाल में हम सीटी लगा देंगे। तो कम से कम 4 सीटी लगाएंगे। चने की दाल को उबालने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है तो इसलिए 4 सीटी लगाएंगे। तो 4 सीटी लगा ली है, लिड निकाल लेंगे और दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो दाल का पानी सूख गया है और दाल अच्छी तरह से गल गई है। तो चेक कर लेते हैं, जो टमाटर हमने डाले थे वे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और मिक्स हो गए हैं दाल के साथ में। तो दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गली है और कच्ची भी नहीं है, ये परफेक्ट है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हमें ठंडा नहीं डालना है, गर्म पानी डालेंगे। दाल में गर्म पानी ही डाला जाता है। तो 2 गिलास के बराबर हम पानी डाल देंगे या फिर जिस तरीके से हमें दाल चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी या पतली, उसी के अकॉर्डिंग हम पानी डाल देंगे। अब इसमें हम उबाल ला देंगे। कम से कम 2 से 3 उबाल लाएंगे या फिर 2 मिनट तक हमें दाल को हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो दाल हमारी पक गई है, अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम दाल को। हमने वैसे भी गर्म पानी डाला था तो दाल को साइड में निकाल लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो दाल में देसी घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो 1 बड़े चम्मच के बराबर देसी घी को हम मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो गया है तो उसमें हम डाल देंगे अब ज़ीरा। 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा और 1 चम्मच के बराबर ही हम डाल देंगे इसमें सरसों दाने। तो कुछ काली और कुछ पीली सरसों है। सूखी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें 2। उसके बाद हम 1 पिंच के बराबर हींग डाल देंगे और गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे। थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए तो उसमें हम 1/2 चम्मच के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया है। तुरंत ही हम दाल में तड़का लगा लेंगे। तो 2 तड़का हमने बनाया था वो दाल में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, दाल में तड़का हमने लगा लिया है। लास्ट में इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है और बच्चों को पसंद भी नहीं आता है। तो दाल हमारी बनके तैयार हो गई है, पंचमेल दाल। चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। घी के साथ बनती है तो इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।